हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म अ बुलेट फॉर अ बुलेट सूर्यवंशी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो? ये मिरेकल्स नहीं, मिरेकल उसमें बिलीव करते हो, क्योंकि गाइज ये मिरेकल जो हुआ है कल वो अद्भुत, अविश्वसनीय एंड सोच से परे हुआ है। जस्ट इमेजिन, आई जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। थर्सडे एक पिक्चर ऑलमोस्ट 2700-2900 स्क्रीन्स में 3.16 करोड़ रुपया कमाती है। फ्राइडे को वही फिल्म उसके आधे शो का ऐसे कट जाते हैं, पूरे के पूरे कट जाते हैं। बस गुरु नानक जयंती का एक सहारा है, क्या वो फिल्म 3.16 करोड़ के ऊपर कमाएगी या नहीं कमाएगी? डू द मैथ्स। ये फिल्म ने थर्सडे से ज्यादा अपने फ्राइडे को कमाया है। These are miracle, seriously, these are miraculous collections what Suryavanshi is doing now. And guys, Bunty Bubbly 2 का क्या हाल हो रहा है आप देखिए जाकर। वो फिल्म ने 1800 स्क्रीन्स में मात्र 2.6 करोड़ की कमाई की है। मैंने आपको पहले ही बोला था सूर्यवंशी की जो कमाई है, जो अभी ये फिल्म कर रही है, just double it man. नॉर्मल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस में ये फिल्म एक 300 से लेकर 350 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन वाली फिल्म थी। एंड गाइस सीरियसली, आज सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रही एंड ऐसे चलता रहा। यू नो, कहा था ना कल मैंने, इस कंडीशन में, इस कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। जहां लग रहा था दिल में डर कि 200 करोड़ नहीं होगा, 200 करोड़ फॉर सूर्यवंशी इज ऑन मेरा भाई। एंड गाइज ये वीक बहुत ही क्रूशल होगा। चलेगा इस, पहले हम शुरू करते हैं डे नंबर 15 के कलेक्शंस के साथ। आज का लेक्चर, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो आराम से बैठिए, आराम से सुनिए। इस 14 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में 166.23 करोड़ की कमाई की थी। शुक्र मानता हूँ प्रोड्यूसर्स का, जो डेली एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, कभी रोहित शेट्टी है, कभी अक्षय कुमार का आपस में, कभी रणवीर अक्षय एंड यू नो तीनों का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, अजय देवगन का, कभी कटरीना अक्षय का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। तो अब 14 दिनों में इस फिल्म ने 166.23 करोड़ इंडिया कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड सूर्यवंशी हैड अर्न 251.46 करोड़ इन 14 डेज। डे नंबर 15, द ऑल इंपॉर्टेंट फ्राइडे, जहां लग रहा था कि फिल्म कहीं ना कहीं सिर्फ 2 करोड़ कमाई थी, वहां पर गुरु नानक जयंती एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस कहूंगा, वहां पर इस फिल्म ने आउट ऑफ द स्किन एक्ट किया है। एंड गाइज इसने 3.27 करोड़ की कमाई की है, 3.27 करोड़ अपने 15वें दिन पर, जबकि आपका 16वां दिन 3.16 करोड़ था। सीरियसली सूर्यवंशी, दिस इज गूजबम मटेरियल मैन, दिस इज सीरियसली गूजबम मटेरियल गाइस। दीज सम फिल्म्स जस्ट एक्ट ऑन पोस्टर एंड ट्रेलर एंड टीजर, सम फिल्म्स परफॉर्म एंड द कलेक्शन स्पीक। सूर्यवंशी ये कलेक्शंस बात कर रहे हैं सीरियसली। एंड इसी के साथ सूर्यवंशी का जो ग्रैंड टोटल है, बाकायदा प्रोड्यूसर्स ने पोस्टर के साथ रिलीज किया है, वो है 169.50 करोड़। तो 15 दिनों में सूर्यवंशी 169.50 करोड़ पहुंच चुकी है। एंड जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये फिल्म को और 33 करोड़ चाहिए 200 करोड़ क्लब में आने के लिए। एंड गाइज ये वीकेंड के बाद कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा। एंड गाइज इसने अपने जो पहले कदम है वो बहुत ही मजबूत रखे हैं, इट्स अ मिरेक्युलस कलेक्शन। एंड अब बात करूं मैं गाइज यहां पर टोटल कलेक्शन की, तो इंडिया 169.50 करोड़, जिसका ग्रॉस होता है 201.77। तो 15 दिनों के बाद 201.77 ग्रॉस, 169.50 करोड़ नेट। एंड ओवरसीज ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही, ओवरसीज में 15 दिनों में इस फिल्म ने 54.90 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि 54.90 करोड़। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, सूर्यवंशी 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड 256.67 यानी कि 256.67 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब होती है। व्हाट अ सुपर हिट मूवी मैन, दिस इज व्हाट कलेक्शंस वी ऑल एक्सपेक्टिंग। आज जब फ्राइडे 3.27 करोड़ होगा भैया, तो सैटरडे क्या होगा, संडे क्या होगा, क्या पूरा फाड़ देंगे कलेक्शन। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं डे नंबर 16, द थर्ड ऑल इम्पॉर्टेंट सैटरडे ऑफ नन अदर सूर्यवंशी। मॉर्निंग शो इज फैबुलस, 10% ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट फिल्म ने ट्रेंड पकड़ लिया है, बहुत अच्छी चल रही है। आफ्टरनून वॉज 16-17%, इवनिंग शो डूइंग फैब बिजनेस। बंटी बबली, मैंने उसी दिन कहा था, दो चीजें कही थी, एक तो बंटी बबली अगर नहीं चली तो सबसे बड़ा फायदा होगा सूर्यवंशी को, वही हो रहा है।
मुंबई के शोज ऑलरेडी इंक्रीज कर दिए इन लोगों ने, बंटी बबली के अभी सूर्यवंशी के शोज और इंक्रीज कर दिए, बंटी बबली के और वही अटक रहे हैं, कुछ शोज कैंसिल हो रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो। हर फिल्म को चलना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आपकी फिल्म में अगर दम नहीं हो तो ऑडियंस जबरदस्ती तो नहीं आएगी देखने के लिए। बात करो नाइट शोज की तो ऑलमोस्ट 30% ऑक्यूपेंसी चल रहा है रात के शोज की। मुंबई में अभी शोज 523 हो गए हैं एंड मेरा अनुमान है संडे दिस विल प्ले एट ऑलमोस्ट 570 शोज। लिख के देता हूं, जस्ट इमेजिन बंटी बबली'स फर्स्ट डे कलेक्शन एंड सूर्यवंशी 15 डे कलेक्शन, 15वें दिन का कलेक्शन बंटी बबली के फर्स्ट डे से ज्यादा है। तो सोचो ये फिल्म ने आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म किया है। दिल्ली एनसीआर अनफॉर्चुनेटली इज नॉट डूइंग गुड, वहां पर सिर्फ 9% की ऑक्यूपेंसी है, 495 शोज है, वहां के भी शोज बढ़ा रहे हैं। पुणे इज अ बैंगर, 51% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है, कल पुणे में स्पिट फायर 70-80% ऑक्यूपेंसी चलेगी, पुणे में 190 शोज कर दिए हैं। बेंगलुरु ओनली 85 शोज, यहाँ पे 23% है, वेरी गुड वीकेंड है, शुड डू गुड। हैदराबाद 29% की ऑक्यूपेंसी है, 134 शोज है, सैटरडे का पूर्ण तरीके से ऑडियंस फायदा लेगी रात के शोज का। बात करो कोलकाता तो 15% की ऑक्यूपेंसी है एंड शोज है 150 यहाँ पर। अहमदाबाद इज डूइंग ब्रिलियंट, 19% ऑक्यूपेंसी है विद 286 शोज। चेन्नई मैसिव 71% ऑक्यूपेंसी, लेकिन शोज भी सिर्फ 13 ही है, ओके दैट मेक्स सेंस। सूरत 29% ऑक्यूपेंसी, 177 शोज, ब्रिलियंट चल रहा है वहां पे। जयपुर एट 18% ऑक्यूपेंसी, बात तो चंडीगढ़ की तो 35% ऑक्यूपेंसी है एंड लखनऊ इज रनिंग अराउंड समवेयर बिटवीन 15-16% ऑक्यूपेंसी इन 127 शोज। इसलिए गाइज माई प्रेडिक्शन फॉर सूर्यवंशी ऑन डे नंबर 16 विल बी 4.50 से लेके 5 करोड़। लेट्स सी अगर ये 5 करोड़ कमाती है भैया, कल तो मजा आ जाएगा, खेल जम जाएगा। अगर ये 5 करोड़ कमाती है कहीं ना कहीं दिस फिल्म विल बी फ्लर्टिंग एट 175 करोड़, बस 4 करोड़ के नीचे नहीं जाए फिल्म, 4 करोड़ के ऊपर तो कैसे भी कमाएगी। अब देखना है 4 करोड़ कितना ऊपर जाती है। आई एम बीइंग अ बिट जेनरस विद माई प्रेडिक्शन, 4.5 से लेके 5 करोड़, एनीथिंग टचिंग 5, ह्यूमंगस 175 CR इन 16 days। अगर सैटरडे 5 हुआ तो संडे 7 होगा, वी विल बी लुकिंग एट 180 बोल के 82 हो गए भाई, 182 करोड़ रुपीस इन जस्ट 17 days, ह्यूमंगस मैन। उसके बाद अगर ये फिल्म यू नो रोज 2-2.5 एक एक भी कमाती गई, देन गाइस वी आर लुकिंग एट 200 करोड़। बस हम अंतिम सत्य में जाते 2 के टाइम पर कितने शोज मिलते हैं, कितने स्क्रीन मिलते हैं, क्योंकि 4 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आ रही पिक्चर, तो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल जोश में हम जोश में आगे बढ़ेंगे आगे एंड चाहते हैं कि ये फिल्म कैसे भी 200 करोड़ क्लब की हकदार बने, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व करती है। ओके गाइस आई होप ये आज का लेक्चर सभी लोगों को पसंद आया होगा, जितने स्टूडेंट बचे हैं लाइक करके जाइए, जो सो चुके हैं उनको क्या कहना, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।